दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति को जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, इसलिए जॉब पाने के लिए हर व्यक्ति अपना इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश में लगा रहता है। और दोस्तों, बस इसलिए खुद को साबित करने के लिए हम सभी लोग बहुत ही तैयारियां करके इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे घटिया सवालों के बारे में बताने वाले है जो की UPSC के पास आउट लड़कियों को पूछे गए थे और जिनका जवाब देना एक नामुमकिन बात है। और दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब दे पाए तो आप भी दुनिया के सबसे असाधारण लोगों में से आते हो और आपको बुद्धि को बहुत ही काबिले तारीफ माना जाएगा। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक और वीडियो को मजा उठाना बिल्कुल भी ना भूले। सवाल नंबर एक, लड़की अपने कपड़े कब उतारती है? दोस्तों, इसका जवाब है, लड़कियां अपने कपड़े तभी उतारती है जब उसके पूरे कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं। तभी लड़कियां तार पे लटके सारे कपड़े उतार देती है और यही इसका जवाब है। और दोस्तों, ये मैं शर्त ला के कहता हूँ कि आपके मन में कुछ अलग ही जवाब आया होगा। सवाल नंबर दो, इंटरव्यू लेने वाले एक लड़की से पूछते हैं कि आपके सामने गोल गोल क्या लटक रहा है? दोस्तों, इसका जवाब लड़की बड़ी होशियारी से देती है और लड़की कहती है कि मैंने गले में एक चेन पहनी रखी है और उसमें एक लॉकेट है जो कि गोल रिंग की तरह दिखाई देता है और वही मेरे गले में लटका है और उसके साथ ही मेरे सामने घड़ी दिख रही है, वो घड़ी भी मेरे सामने गोल गोल लटक रही है। ये दो चीजें मेरे सामने लटक रही है। दोस्तों, ये सवाल सुनकर आपके मन में क्या आया था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल नंबर तीन, आधा कटा हुआ सेब किस तरह से दिखाई देता है? दोस्तों, इसका जवाब जरूर आपके मन में नॉनवेज आया होगा, परंतु आपको बता दें, इसका सही जवाब है, आधा कटा हुआ सेब दूसरे सेब की तरह दिखाई देता है जो कि सेम टू सेम पहले कट हुए सेब की तरह दिखाई देता है। सवाल नंबर चार, एक बिल्ली है और उसके तीन बच्चे थे जिनका नाम था सिन्नी, मिन्नी और किन्नी, तो बिल्ली का नाम क्या है? दोस्तों, इसका जवाब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? आपको बता दें, इस सवाल का जवाब इसी सवाल में छुपा है। और आपको बता दें, इसका जवाब किया है, यानी बिल्ली का नाम किया नाम से है। सवाल नंबर पांच, दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और सवाल ये है कि मोर अंडे क्यों नहीं दे पाता? दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में सबसे पहले लूंगा। और दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब सही तरह से दे पाए तो आप भी दुनिया के सबसे होशियार लोगों में से एक होशियार माने जाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अनोखी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।